कोरोना महामारी की मार से हम सभी उबरने की कोशिश करने लगे हुए हैं, लेकिन बीते कुछ महीनों में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों की पढ़ाई का हुआ है। ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा भारत के जिन बच्चों को हासिल नहीं है, उनकी तालीम सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। लेकिन दुनिया के कई देशों के बाद भारत में भी स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आने वाले समय में शिक्षा की क्या होंगी हमारी चुनौतियां और विकसित देशों से क्या सीख सकते हैं हम, कवर स्टोरी में इसी की पड़ताल। भारत में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए कई राज्यों में स्कूल आज से आंशिक तौर पर खोल दिए गए हैं, यानी सरकार के दिए निर्देशों का पालन करते हुए इन कक्षाओं के बच्चे स्कूल में जाकर अपने शिक्षकों से गाइडेंस ले सकते हैं। व्यवस्था ये भी की गई है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपने 50% टीचिंग स्टाफ को स्कूल में बुला सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और धीरे धीरे अनुभव से सीखकर स्कूलों को पूरी तरह खोलने की दिशा में बढ़ रही है। लेकिन जिन देशों में स्कूल पूरी तरह खुल गए हैं, वहां बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए कैसे इंतजाम किए गए हैं? ब्रिटेन में 7 सितंबर से स्कूलों को पूरी तरह से खोल दिया गया है। वहां कोरोना के खतरे के बीच बच्चों को सेफ रखने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, बता रही हैं बीबीसी संवाददाता गगन सबरवाल। ये है उत्तरी इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड का लिस्टर प्राइमरी स्कूल, और बाकी स्कूलों की तरह ये भी लॉकडाउन की वजह से 5 महीनों से बंद पड़ा था। इस इलाके में दक्षिण एशियाई मूल के कई लोग रहते हैं, पर 7 सितंबर को इंग्लैंड के सभी स्कूल खुले और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स का स्वागत किया। और मैंने ये पाया कि कोरोना के दौरान स्कूल खोलना इतना आसान काम नहीं है। अब स्कूल के साथ काम करना पहले से भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। सबसे पहले तो हमने स्कूल में आने और जाने के अलग अलग रास्ते बनाए। रिसेप्शन पर भी हम और जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम थोड़ी सी ही जगह बना पाए और पहले के मुकाबले चीजें भी कम कर दी है। और हमने इन्हें भी प्लास्टिक की शीट से ढक दिया है ताकि इसे आसानी से साफ किया जा सके। स्टूडेंट्स को उम्र के हिसाब से बबल्स में रखा गया है, जिनकी जिम्मेदारी टीचर्स को दी गई है, जो उस बबल से पूरे दिन नहीं निकलते। स्कूल में हर जगह शौचालय की सुविधा भी है। वो जानते हैं कि अगर वो क्लासरूम से बाहर निकलकर शौचालय का इस्तेमाल करते हैं तो वापस जाने से पहले हाथ सैनिटाइज करना होगा। इन नए कायदों ने पहले से मुश्किल समय का सामना कर रहे टीचरों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। मेरे पास तो कुछ बच्चे एक पोस्टर लेकर आए जिस पर लिखा था कि आप बेस्ट टीचर हैं, पर उन्हें ना ले पाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। और बच्चों के माता पिता का इन बदलावों के बारे में क्या कहना है? जब पहले दिन हम गेट के बाहर ही खड़े रहे, किसी को नहीं पता था कि क्या होगा, पर पिकअप के वक्त हम काफी प्रभावित हुए क्योंकि बच्चों के माता पिता के आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए, और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। Then when we came back to school, it felt so much better to be back at school. I feel a bit happy that we're doing some social distancing and we're taking care of ourselves. स्कूलों के खुलने के साथ ही वहाँ पढ़ रहे बच्चों की जिंदगी थोड़ी बहुत सामान्य हो रही है, और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनके पुराने स्कूल के दिन एक बार फिर से लौट आएंगे। गगन सबरवाल, बीबीसी न्यूज, ब्रैडफोर्ड। ये तो हुए ब्रिटेन के बाद जहां स्कूल पूरी तरीके से खुल गए हैं, लेकिन भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए स्कूल पूरी तरह कब खुलेंगे अभी इसके बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन हरियाणा में सभी एहतियातों का पालन करते हुए 2 स्कूल खोले गए हैं जहां छात्र पढ़ाई के लिए जा भी रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे चल रहे हैं ये दोनों स्कूल, हमारे सहयोगी सत सिंह की रिपोर्ट में। ये कोरोना चल रहा है तो इसके टाइम पे तो मास्क लगाना ही पड़ेगा ना, तो अगर नहीं लगाएंगे तो शायद बीमारी हो जाए, तो इसलिए ठीक है ना मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से सबसे पहले स्कूलों को बंद किया गया था।
अब हरियाणा सरकार ने दो स्कूलों को प्रयोग के तौर पर खोला है, जहां बच्चों, टीचरों और स्टाफ के दूसरे सदस्यों को हर तरह की सावधानी बरतने को कहा गया है। हरियाणा के करनाल और सोनीपत जिलों में दो स्कूलों को खोला गया है। बीबीसी ने सोनीपत जिले में खुले स्कूल का जायजा लिया और वहां की व्यवस्था, परेशानियों और लोगों के उत्साह को जानने की कोशिश की। हमारे स्कूल के 63 बच्चे हैं 10th क्लास में, उनमें से 52 पेरेंट्स ने अपनी सहमति दी थी। मैं 10th क्लास को टीच करती हूँ सर, 40 जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो अवेलेबल है। जैसे सर्वप्रथम बच्चे गेट में प्रवेश करते हैं, उसमें हमने गोल दायरे बनाए हैं 2 गज की दूरी पर। प्रवेश करने पर सबसे पहले बच्चे के जूते सैनिटाइज कराए जाते हैं, उस थर्मल स्कैनिंग से उसके बाद उनका तापमान चेक किया जाता है। जिन बच्चों का तापमान कम या अधिक होता है तो आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है, डॉक्टर के हम लगातार संपर्क में हैं, ऑटोमेटिक सैनिटाइज मशीन लगवाई है विद्यालय में, प्रत्येक बच्चा उससे अपने हाथों को सैनिटाइज करता है। हैंड वॉश के लिए भी हमने ऑटोमेटिक मशीन लगवाई है, प्रत्येक बच्चे के लिए उनके डेस्क पर उनका नाम लिखा है, वो बच्चा उसी बेंच पर बैठेगा, अपना खाना लेकर आएगा, पानी भी अपनी बोतल घर से लेकर आएगा, किसी से कोई भी चीज़ शेयर नहीं करेगा। और हमारे अध्यापक जो है उनकी व्यवस्था हमने इस तरीके से की है अपनी टीम के साथ कि वो बच्चे की कापी भी चेक, बच्चे के पर्टिकुलर स्थान पर जाकर कापियाँ चेक करेंगे ताकि इसमें किसी भी प्रकार की बच्चे को असुविधा न हो। जब मैडम ने बोला स्कूल आना है तो हमारे मम्मी पापा ने इजाज़त दे दिया, क्योंकि स्कूल में आके हम कुछ नए से सीखेंगे और घर पर किसी किसी के पास मोबाइल नहीं होता है और किसी के मम्मी पापा मोबाइल लेके चल जाए, सिर्फ से पढ़ाई नहीं हो पाता सही से, और ना स्कूल में हमारा देखभाल सही से रखा जा रहा है और मम्मी पापा को लगता है कि हम भले बच्चे हैं, हम अपना देखभाल सही से रख सकते हैं। बहुत बढ़िया सुविधा दे रखी है, हाथ साफ करवाते हैं बार बार और मास्क दे रखे हैं, 2 गज की दूरी पर बैठाते हैं और पढ़ाते हैं टीचर आगे। मैं संतुष्ट हूँ इन बातों से। जैसे कि हम घर पे पढ़ते थे तो फ़ोन में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और हर वक्त हमारे पास फ़ोन अवेलेबल भी नहीं था, तो थोड़ी सी मतलब पढ़ाई में कमी आ रही थी, लेकिन अब हम स्कूल में आए तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो स्कूल में मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा बदल गया है, और क्लासेस जो है वो अब क्लास में नहीं बरामदे में की जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से मेंटेन की जा रही है। तो इन दो स्कूलों के बेस पे एक रिपोर्ट शिक्षा विभाग के पास जाएगी कि अन्य स्कूलों में भी हम इन सुविधाओं के साथ बच्चों को ऐसे हम कर सकते हैं। सभी बच्चे हैं ये 10वीं क्लास के बच्चे, पेरेंट्स का कंसेंट लिया गया, सभी पेरेंट्स ने रिटर्न में हमें दिया है कि हमें कोई एतराज नहीं है अगर ये सुविधा दी जाए। थोड़ी सी मुश्किल लग रहा है क्योंकि मास्क लगाते तो आवाज सही से लिख कर नहीं पाता है। पहले थे जो फ्रेंड्स वगैरह थे जो हमारे, हम उसके साथ वैसे मतलब हेलो वगैरह कर लेते थे या फिर गले वगैरह मिल लेते, लेकिन आज वो सब नहीं है।